हाय गाइस, वेलकम टू माय घरेलू नुस्खे यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे आम की गुठली के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। चलिए जानते हैं बेनिफिट ऑफ मैंगो सीड्स। आम की गुठली में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, यानी जो हमें हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया और वायरल से होने वाले नुकसान से हमें बचाती है, हमारी मदद करती है। इससे मौजूद रहने वाले व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं होते हैं। यानी यदि हम आम की गुठली को पीस करके लेते हैं और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जो रोग रोधक पावर हमारी बढ़ाते हैं। मासिक धर्म के दौरान होने वाली पीड़ा, होने वाला दर्द 100% यह कम करता है, यानी इसमें जो है दर्द को कम करने की पावर है। आप इस्तेमाल करके देखेगा, आम की गुठली का जो सेवन करते हैं, और यदि हमें पीरियड्स के टाइम बहुत दर्द सहन करना पड़ता है, बहुत हमारे पीड़ा होती है, यदि हम इसकी गुठलियों का पीस करके लेते हैं गर्म पानी के साथ में, या फिर इसकी गुठली का पाउडर जो है उसे पानी में उबाल करके पीते हैं, तो हमें पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से राहत मिलती है। कच्चे आम में से जो गुठली निकलती है सफ़ेद रंग की, यदि हम उसे खाते हैं तो वह आँखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत कारगर है, और ना ही हमारी कभी लू के कारण हमारी आँख दुखने आएगी। जैसे बोलते हैं कि आँखों में से रेडनेस होती है, वो नहीं होगा यदि हम वाइट कलर की जो कच्चे आम की गुठली होती है उनका सेवन करते हैं। तो यदि कच्चे आम या पक्के आम को हम पकाते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं, और इसके साथ में इसकी गुठली का भी इस्तेमाल करते हैं उस सब्जी बनाने में, उससे जो है हमें, और जब हम उस सब्जी को खाते हैं तो यदि हमें अपच की शिकायत है तो वो हमारी दूर होती है, यानी अपचय की समस्या जो है वो दूर होती है। अब जानते हैं हम आम की गुठली के नुकसान के बारे में। यदि हम आम की गुठली का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो यह दर्द ठीक करने की बजाय दर्द बढ़ाती है, और उल्टी की शिकायत भी हमें हो सकती है। यदि हम आम की गुठली का सेवन कर रहे हैं, कच्चे आम की जो वाइट कलर की गुठली होती है उसे भी हम एक ही मात्रा में ले सकते हैं, एक दिन में हम एक ही खा सकते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको भी आम की गुठली का सेवन नहीं करना चाहिए, सेवन करने से बचना चाहिए। आम की गुठली का सेवन करने से कई बार हमें दस्त की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए इसे अधिक इस्तेमाल करने से बचें। ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।